मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक बोर्ड मॉडल प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ, 10th क्लास के बच्चों के लिए। आप इस प्रश्न को अंत तक देखें, ये निश्चित रूप से 2024 के एग्जाम में आने वाला है। चलिए भाई, प्रश्न क्या कहता है। एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, अधिक है मतलब ज्यादा है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाघ की बीमाए ज्ञात कीजिए। बीमाए का मतलब समझे, लंबाई चौड़ाई और क्या। तो सबसे पहले हम एक चित्र खींच लेते हैं आयताकार बाघ। ये रहा प्यारे बच्चों आपका आयताकार बाघ। ये छोटा वाला चौड़ाई है और बड़ा वाला लंबाई है। तो इसमें कह रहा है कि आयताकार बाघ का लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। पहले अलग अलग मान लीजिए आप चौड़ाई को आपने x मीटर माना, ठीक है, एंड लंबाई को y मीटर माना। चलो लंबाई को आपने y मीटर माना। अब आपको प्रश्न में क्या कह रहा है उसके हिसाब से समीकरण सेट करिए। प्रश्न में आपको कहा कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, तो लंबाई तो मेरा वाई है और चौड़ाई तो मेरा एक्स है, और लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है यानी वाई एक्स से 4 ज़्यादा है, तो हम एक्स में भी 4 जोड़ देंगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको हमने क्या किया, समीकरण एक मान लिया। अब कहा कि बाघ का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो पहले तो हम बाघ का परिमाप निकालते हैं। बाघ का परिमाप, बाघ तो आयताकार है, तो आयत का परिमाप आपने पढ़ा है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र स्टडी किया है। तो 2 का 2 रह गया, इसका लंबाई आपने y माना है तो y डाल दीजिए, प्लस इसका चौड़ाई आपने x माना है तो आप x डाल दीजिए। इस तरह से आपको 2 × y + x को आप चाहे तो x + y भी अच्छा लगने के लिए लिख सकते हैं। ये बाघ का परिमाप हुआ, बट क्वेश्चन में परिमाप की नहीं, अर्ध परिमाप की ज़रूरत है। अर्ध का मतलब आधा, आधा करने के लिए 2 से भाग देना पड़ता है। तो अब निकाल दीजिए बाघ का अर्ध परिमाप। मैथ को जितना तोड़ तोड़ के बनाइएगा उतना ही अच्छा। तो बाघ का प्यारे बच्चों अर्ध परिमाप, बाघ का अर्ध परिमाप, इसके लिए क्या करना है, 2 × x + y जो परिमाप आया था इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 2 से 2 कट गया। अब आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया कितना, x + y, यही हो गया अर्ध परिमाप x + y। अब प्रश्न के मुताबिक जरा चलिएगा तो अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36। तो अब हम प्रश्न से फिर लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि अर्ध परिमाप जो है वह 36 है, और हमें आया कितना है अर्ध परिमाप, हमें तो आया है x + y। इसका मतलब x + y किसके बराबर होगा, बोलो स्टूडेंट्स, x + y किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। अब वैल्यू बैठा दीजिए आप आराम से, y का मान क्या है, x + 4 है, तो ये x का x रहा एंड y का वैल्यू यहाँ से x + 4 आप पुट कर दीजिए, y का मान x + 4 पुट कर दीजिए एंड बराबर के बाद 36, और यहाँ लिख देना है समीकरण एक से। हमने समीकरण एक से मान रखा है। अब एगो x में एगो x जोड़िएगा तो 2 गो x मिलेगा, प्लस 4 अपने जगह पर, बराबर कितना, तो 36। उसके बाद 2x लिख दीजिए सेम टू सेम, प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 4 हो जाएगा, एंड 36 में से 4 घटाइएगा तो क्या पाइएगा, 32 पाइएगा, एंड 2 से कट जाएगा 32 कितना बार में, 16 बार में। इस तरह से आपने प्राप्त कर लिया x का वैल्यू 16। अब x का मान 16 यहाँ पे बैठा दीजिए समीकरण एक में 16, तो y का मान भी निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण एक का हेल्प ले लीजिए, समीकरण एक से जहाँ पे लिखा हुआ है y बराबर x + 4, x का वैल्यू आपने 16 लाया है, तो अब यहाँ पे लिख दीजिए 16 + 4 यानी कितना, 20। इस तरह से y और x का मान आ चुका है, तो आप लिख दीजिए अब आराम से, बाघ की लंबाई
बाघ की जो लंबाई है बउआ उसको आपने वाई माना था तो ये 20 मीटर है, एंड बाघ की जो चौड़ाई है उसको आपने एक्स माना था, देख लीजिए चौड़ाई को एक्स माना था और एक्स का वैल्यू आपका 16 आ चुका है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 16 मीटर, यही आंसर हो गया। इसी तरह के हॉट क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज के साथ जुड़ जाइए और आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं मैथमेटिक्स में, यही है मेरा प्रयास, आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। थैंक यू सो मच।